पैकिंग हो गई बेटा? अभी कहाँ मम्मी, अभी तो स्टार्ट लिया है। पूरे घर में सोफी की चीजें बिखरी हुई है, इधर उधर से उठाती फिर रही हूँ। मुझे लगता है जाने के बाद ना जगह जगह से उसकी चीजें निकलेंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे चीजें मिलेंगी तो तुम्हें पहुंचा दूंगी बेटा। ये क्या है मम्मी? ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें देने के लिए लाई हूं बेटा। लेकिन है क्या ये? इसमें तुम्हारे नाना के खतूत है। मुझे ऐसा लगा कि ये खत मुझे अब तुम्हें दे देनी चाहिए। बहुत अरसे तक मेरे तकलीफ दे लम्हों में ये मेरे साथ ही बने रहे। हो सकता है कि ये तुम्हें भी हौसला दे, हिम्मत दे। मम्मी एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या बेटा? इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, क्या आपको पापा से मोहब्बत हुई? उनके साथ रहना आसान था क्या इतने हर्ट और ह्यूमिलिएशन के बाद? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनसे मोहब्बत होगी है या मोहब्बत ना हो सकी? मुझे लगता है आपको पापा से मोहब्बत है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना कुछ सहने के बाद कोई दोबारा ऐसे आदमी के साथ मोहब्बत कैसे कर सकता है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या ये मुमकिन है, ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? वो सारा हर्ट, वो सारी तकलीफ। एक बड़े ही लंबे अरसे तक बेटा मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत की अदाकारी करती रही, प्रटेंड करती रही। औरत एक अच्छी अदाकारा होती है, ग्रेट प्रटेंडर। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे अंदर जो तकलीफ दे लम्हे हैं उन्हें मैं बाहर कैसे निकाल सकूं। काफी अरसे तक मुझे तुम्हारे पापा के साथ रिश्ता एक फॉर्मेलिटी लगता था जिसे मुझे बस निभाना है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मियां बीवी का रिश्ता बड़ा ही अजीब रिश्ता होता है बेटा, बड़ा ही अजीब सा ताल्लुक। इस रिश्ते में सिर्फ दो लोग नहीं होते बेटा, बच्चे भी होते हैं। और जो शख्स आपके बच्चों को बेपनाह मोहब्बत कर रहा होता है, आप उस शख्स से नफरत कर ही नहीं सकते। जब आपका शौहर आपकी औलाद से प्यार करता है ना, तो यूं लगता है जैसे वो आपसे प्यार कर रहा हो। शौहर बनकर उसने जितने जख्म लगाए होते हैं ना, बाप बनकर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हील भी करता जाता है। अजीब बात कर रही हैं आप मम्मी। हाँ तुम्हें अभी ये बात अजीब लग रही है,